हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं जनरल नॉलेज का। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है सामने, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय ह्यूमन बींग्स। यहाँ रेस्पिरेशन का मतलब आप समझिए प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है? प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, उस चीज़ का प्रोसेस रेस्पिरेशन कहला जाता है। सिंपली आप एक चीज़ याद रखिएगा, हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं ऑक्सीजन, और हम लोग क्या छोड़ते हैं? हम लोग देते हैं CO2, ठीक है? याद रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय ह्यूमन बींग्स। रिलीज्ड मतलब निकल रहा है, कौन सा बाहर निकल रहा है, ठीक है? तो कौन सा गैस बाहर निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं CO2, ठीक है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2, विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ बांग्लादेश। बांग्लादेश एक कंट्री है और इंडिया एक कंट्री है, ठीक है? तो ये जो इंडिया एक कंट्री है, बांग्लादेश के साथ टच अप में है, ठीक है? तो ये जो टच है, तो यहाँ पे कोई तो स्टेट होगा जो टच हो रहा होगा बांग्लादेश के साथ। तो कौन सा स्टेट है जो कि बांग्लादेश के साथ टच है, जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा कहाँ पे है मैप में देख लेते हैं। ये जगह पे है आपका त्रिपुरा, इस जगह पे आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा का कैपिटल होता है अगरतला, ठीक है? अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3, व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल स्पोर्ट्स डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो अगस्त 29 को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? वाओ, PDF। PDF क्या होता है? PDF एक तरह का फाइल होता है जो हम शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह, CV, कुछ भी, अगर प्रोजेक्ट वोजेक्ट कुछ भी है, तो वो एक फॉर्मेट है एक तरह का। PDF फॉर्मेट में हम लोग करके देते हैं, जैसे नॉर्मल वर्ड फॉर्मेट हुआ, टेक्स्ट फॉर्मेट हुआ, वैसे ये एक फॉर्मेट होता है PDF, ठीक है? ये PDF। तो ये जो PDF है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और आजकल हम लोग बेसिकली इसी का ज़्यादा यूज़ करते हैं फाइल। अगर किसी को कुछ टेक्स्ट में देना हो तो हम लोग PDF से ही देते हैं, PDF बना के, ठीक है? क्वेश्चन फाइव कह रहा है कि हु वॉज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2011 का, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है? तो उसमें तो हम लोग जानते हैं कौन विनर था, अपना भारत देश, इंडिया विनर था, ठीक है? तो वो जो मैच हुआ था, तो उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको बनाया गया था? तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट था युवराज सिंह को बनाया गया था, ठीक है? युवराज सिंह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया था। कब बनाया गया था, कौन से गेम में बनाया गया था? क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 को, ठीक है? क्वेश्चन 6, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली का कैपिटल क्या है? तो दादरा एंड नगर हवेली का कैपिटल है सिलवासा। सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। क्वेश्चन 7 कह रहा है, व्हाट वॉज द लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर। ये क्वेश्चन आप हिस्ट्री से समझ सकते हैं, ठीक है? हिस्ट्री से ये क्वेश्चन, मुगल अम्पायर का लैंग्वेज क्या था? तो वो लोग लैंग्वेज यूज करते थे पर्सियन, पर्सियन लैंग्वेज, ठीक है? क्वेश्चन 8 है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी। SEBI, फुल फॉर्म क्या होता है सेबी का? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 कह रहे हैं, हु इज द ऑथर ऑफ अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला, ऑथर मतलब किसने लिखा है, ठीक है? ऑथर कौन है? अमर सोनार बांग्ला
ये जो अमर सोनार बांग्ला है, ये आपका बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, ठीक है। बांग्लादेश एक कंट्री है, जैसे मैंने कहा, बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला। तो ये लिखा किसके द्वारा गया था? तो यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो ये लिखा गया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन 10 है हमारा, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।